नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। 10 अक्टूबर से बिहार में नगर निकाय चुनाव शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर के उम्मीदवारों की अधिसूची और खर्च का निर्धारण किया जा चुका है। वहीं अब ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि पटना राज्य के नगर निकाय चुनाव में महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। महिलाओं के लिए वार्ड से लेकर नगर पालिकाओं में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के पद उनके हिस्से में आएंगे। चुनाव आयोग ने महिलाओं के लिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के कुल 4,875 वार्डों में से महिलाओं के खाते में 2,216 पद आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के 262 निकायों में से 128 और 128 पदों पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर पालिका आम चुनाव 2022 में 224, नगर निगम के 831 वार्डों में वार्ड पार्षद का चुनाव किया जाना है। नगर निगम के इन वार्डों में 399 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। नगर निगमों के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसी प्रकार से नगर परिषद क्षेत्र के 267 वार्डों में वार्ड पार्षदों का चुनाव किया जाना है, जिसमें से 997 पदों का प्रतिनिधित्व महिलाओं को करने का मौका मिलेगा। राज्य के 224 नगर पंचायतों के 1,977 वार्डों में से महिलाओं के लिए 920 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके साथ ही महिलाओं के ऊपर जो सबसे अधिक जिम्मेदारी सौंपी गई है वह मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद की है। बता दें कि राज्य में 3 चरणों में नगर पालिका का चुनाव कराया जाना है। इनमें 19 नगर निगम क्षेत्रों में से 9 नगर निगम क्षेत्रों में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के रूप में निर्णय लेने की जिम्मेदारी महिलाओं की होगी। इसी प्रकार से 88 नगर परिषद क्षेत्र की 43 मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद महिलाओं द्वारा ही विकास का अंतिम निर्णय लिया जाना है। राज्य के 154 नगर पंचायतों में से 76 पदों पर महिलाएं निर्वाचित होकर आने वाली है। इन महिलाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर विकास का पहिया चलाया जाना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।